मेरा नाम आस्था तोमर है। आज मैं आप सभी के समक्ष कुछ संतुलित आहार के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले अनाज। अनाज हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं। ये तत्व शरीर के विकास और पुनर्निर्माण में मदद करते हैं। दूसरा, सब्जियाँ। सब्जियों का सेवन करने से हमारे शरीर में ऊर्जा बढ़ती है और हमें बीमारियों से भी बचाता है। सब्जियों में फाइबर, विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं, जो हमारे पाचन को मजबूत बनाते हैं और हमें सेहतमंद रखते हैं। तीसरा, फल। फल खाने से वजन दुरुस्त रहता है, आंतों का कैंसर नहीं होता, हार्ट की समस्या नहीं होती, यह हमें सभी बीमारियों से बचाता है। फलों में कई तरह के विटामिन एंड प्रोटीन्स पाए जाते हैं। चौथा, दूध और दही। दूध और दही दोनों को ही सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है। दोनों में कैल्शियम, प्रोटीन जैसे गुण पाए जाते हैं। दूध और दही हमारे पेट को हेल्दी रखने में मदद कर सकता है। लो फैट दूध वजन को कम करने में मदद करता है। दूध और दही हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं। दूध और दही हमारी स्किन के लिए भी फायदेमंद होते हैं। पांचवा, दालें। दालें हमारे जीवन में प्रोटीन की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। मानव शरीर में 3% प्रोटीन की पूर्ति दालों से ही होती है। दालों में फाइबर भी पाया जाता है। धन्यवाद।